सो दोस्तों, ये हमारी सोनाक्षी और आज बैठेंगी मैडम जी, दूध निकालेंगे और माँ सिखाएगी इसको दूध निकालना, क्योंकि कभी माँ इधर उधर जाएगी तो तब होता है ना, ऐसे डर लग रहा तुझे पहले कोई बात। गुड मॉर्निंग मेरी यूट्यूब फैमिली, सो फिर से स्वागत है आपका इस नए दिन के नए ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं दोपहर के 11:30 बजे से। और सबसे पहले आप सभी को मेरा तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आजकल आप वीडियो को बहुत ही प्यार और हमें सपोर्ट कर रहे हो। ऐसा ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखें, और फिर से थैंक यू सो मच। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो जल्द ही हम बहुत मतलब अच्छे लेवल तक पहुँच जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को देखते रहना और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। सो आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने कर ली है, और बाकी अभी मैं नहा चुका हूँ और मैडम जी भी अब मतलब कपड़े धो रहे हैं, और बाकी कल ससुराल जाना है तो थोड़ा कपड़े गंदे हो रखे हैं तो उनको साफ़ करेंगे और कल मॉर्निंग में निकल जाएंगे। बाकी आजकल मौसम एकदम फर्स्ट क्लास है, आप देख रहे होंगे एकदम फर्स्ट क्लास, और आसमान पे हल्के हल्के बादल भी लगे हैं। और बाकी माँ जा रही है बांझ के लिए, आज छोटा भाई जाएगा लेने के लिए। और मतलब जब शादी स्टार्ट हो चुकी थी उस टाइम से मतलब बांझ के लिए भी नहीं जा पाए, क्योंकि ऐसे ही काम धंधे में व्यस्त थे। और आज जा रहे हैं मतलब 8-10 दिन बाद। बाकी आपको थोड़ा मौसम का नज़ारा दिखाता हूँ और सीधे चलते हैं अब नीचे। सो दोस्तों, मौसम की बात करें तो मौसम आप देख सकते हो हल्के हल्के बादल आ चुके हैं अभी, और आसमान मतलब नीला भी है और हल्के हल्के बादल हैं। बहुत ही फर्स्ट क्लास मौसम बना हुआ है। बाकी हमें मैडम जी भी कपड़े धो रही हैं, क्योंकि कल इनको भी मायके जाना है, और बहुत खुश हैं ये आप देख सकते हो, अभी कैमरे पे भी नहीं देख रहे हैं इतनी खुशी में। और बाकी आजकल एकदम मौसम फर्स्ट क्लास है, अभी हल्के हल्के बादल आ चुके हैं, मॉर्निंग तक तो एकदम मौसम साफ था, ये आप देख सकते हो। सो दोस्तों, मैडम जी नहा चुकी हैं ये देखो, और बाकी इन्होंने कपड़े भी धो दिए हैं यहाँ पे, और खुश सुर के आज कल जाना है और मायके पूरे हो गए हैं 10 दिन, कल है 10वां दिन, और बहुत याद भी आ रही है, क्या ही बोले। नहीं तो मैंने 5वें या 7वें दिन में जाना था दादी जी, और गई उसके कारण देर हो। चलो कोई नहीं, देर हुई पर जो भी है। बाकी फर्स्ट क्लास धूप लगी, अभी दोनों नहा चुके हैं हम, अभी फर्स्ट क्लास धूप सेक रहे हैं हम दोनों, ये देख सकते हो आप। और थोड़ी देर माँ भी आ जाएगी बांध से, उसके बाद खाना खुना खाएंगे और आगे जो जो काम होगा वो आपको आज के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बीच बीच में आवाज़ रुक रही है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया, अगर आपको पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करना और ज़रूर बताना, क्योंकि 2-3 वीडियो में ऐसे ही हो रहा है और बहुत कमेंट कर रहे हैं कि मतलब कैसी वीडियो बन रही है, आवाज़ नहीं आ रही है। तो प्लीज़ अगर आपको पता होगा तो आप ज़रूर कमेंट करना और ज़रूर बताना, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अभी सुबह के बाद अभी शाम को ही वीडियो बनाने का टाइम मिल रहा है, और आज मौसम पूरा पैक हो चुका है, ऐसा लग रहा है कि क्या पता रात को बारिश आ सकती है। आप देख सकते हो मतलब आसमान पर पूरे बादल हैं, ये आप देख सकते हो पूरे काले काले बादल लगे हैं आसमान पे, कहीं कहीं पे आसमान नीला भी है, ये देख सकते हो। सो दोस्तों, यहाँ पे अभी माता जी गोबर भर रही है और एक खेत में डाल रहे हैं, वहाँ पे कल मॉर्निंग में हल लगाएंगे और उसके बाद वहाँ आलू बोएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा गोबर है, और देख सकते हो आप गोबर के अंदर से कैसा भाप आ रहा है, मतलब इतना गर्मी है इस गोबर में। और ये वाला गोबर मतलब हल्का होता है क्योंकि ये पत्तों का रहता है। और तुम्हें जाना है सीधे उस साइड, बाकी मौसम एकदम सुहाना हो रखा है। कल इस वाले खेत में हल लगाएंगे और इसमें बुने आलू, बाकी खरपतवार चला दिया है और 2 कंडे गोबर के डाल दिए हैं, 1-2 कंडे यहाँ पे डालेंगे। तो ठीक है, तब हैं तुम आराम से दावा, हम जाते हैं घूमने के लिए। सो दोस्तों, ये हमारी सोनाक्षी और आज बैठेंगी मैडम जी, दूध निकालेंगे और माँ सिखाएगी इसको दूध निकालना, क्योंकि कभी माँ इधर उधर जाएगी तो तब होता है ना, ऐसे डर लग रहा तुझे पहले कोई बात नहीं, नया एक्सपीरियंस है ये, थोड़ा डर तो लगेगी, तो देखते हैं अब
ऐसे बैठ चुकी है यहाँ पे नीचे। अब देखते हैं ले वीर तमने डो ना तो जाकर निकल ले 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 डबली ले चल ना। तुम्हारे आज की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब आपको सिखाएंगे सीधे माई के आने के, जब माई के से घर आओगे तब सिखाएंगे आपको धीरे धीरे। आगे का दूध निकालेंगे माता जी, ठीक। तो कैसा लगा आज आपको, पहली बार आपने भैंस से दूध निकाला है? अच्छा लगा। अभी दूध दाध निकाल लिया और सब्जियों में आज मटर हो गया, गोभी हो गया, शिमला मिर्च आलू। तो अभी मैडम जी इसको छिल रही है मटर को, बाकी आग भी जली है और इस पे पानी रखा है। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।